हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर 12 शुरू करते हैं। सिक्वेंसिंग स्टोरीज, इवेंट्स एंड स्नैपेट से बारे में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या करना है कि आपको ये एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको अरेंज करना है, ठीक है ना, मीनिंगफुल स्टोरी में, लॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो देखिए इसमें इसका जो आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बी सी ई डी ए। ठीक है, तो बी क्या है? दिस टेल अबाउट गर्ल्स इज कॉल्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो इसमें एक लड़की की कहानी है जिसमें लिटिल उस लड़की का क्या नाम था, लिटिल रेड राइडिंग हुड। सी ऑलवेज वियर रेड हुड कैप, और वो हमेशा रेड हुड कैप पहनती थी। एवरी डे द गर्ल्स वॉक थ्रू द वुड्स, डिलीवर द फूड टू द ग्रैंड मदर। अब वो क्या करती है, एक दिन वो जंगल की तरफ से जाती है अपनी ग्रैंड मदर को क्या करने, खाना डिलीवर करने। ठीक है, फिर सी नंबर, वन डे ए वुल्फ अप्रोच द गर्ल, सी नेवली टेल्स हिम वेयर शी इज डूइंग। और उसके पास एक वुल्फ आता है और वो उससे पूछता है बहुत ही प्यार से कि वो क्या कर रही है। फिर है ई नंबर, ही सजेस्टेड दैट गर्ल पिक सम फ्लावर फॉर ग्रैंड मदर हु वॉज कीपिंग एनवेल सी डस्ट। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए कुछ फूल पिक करती है उनको देने के लिए। ठीक है, उसके बाद है डी नंबर, इन द मीन टाइम द वुल्फ गोज टू ग्रैंड मदर हाउस एंड ईट्स हर। और करता क्या है, तो जब ये देखता है कि लड़की फ्लावर तोड़ रही है तो वो क्या करता है, उसके घर पर जाता है और उसकी ग्रैंड मदर को खा लेता है। ठीक है, वेन द गर्ल्स अलाइव ही ईट्स हर टू। तो जब वो ग्रैंड मदर के घर पे पहुंचती है तो देखता है, वो देखती है कि वो खा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो होता क्या है, अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन है ए। ए में क्या है, ए हंटर, तो वहाँ पे एक शिकारी रहता है जो रेस्क्यू करता है, ठीक है ना, और उल्ट को भगाता है। इमिडिएटली लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड हर ग्रैंड मदर इमर्ज अनहार्म्ड। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर लिटिल गर्ल पहुंचती है अपने दादी को बचाती है रेस्क्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इस कहानी के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी लिखी जाएगी। फिर है टू नंबर, व्हाट इज़ द मोरल स्टोरी। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि नेवर लिसन टू स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो लोग ऐसे हैं जो विचित्र व्यक्ति हैं जिनको आप पहचानते नहीं, आप उनकी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर है, यहाँ पे भी हमको लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले डी है, देखिए साक्षी मित्तल गेटिंग मैरिड इन जून। तो साक्षी मित्तल की शादी होगी कब, जून में। फिर है बी नंबर, बी नंबर आ गया, सी इज़ गोइंग टू मैरी सचिन शर्मा, अब वो सचिन शर्मा से शादी करेंगी जो USA में रहते हैं। फिर है ए नंबर, हिज रिलेटिव लिव्स इन लंदन, उसके रिलेटिव कहाँ रहते हैं, लंदन में रहते हैं, बट दे आर कमिंग फॉर दिस वेडिंग। तो वो लोग उसकी वेडिंग के लिए आ रहे हैं। ऑल ऑफ साक्षी फैमिली लिव राइट हियर मुंबई, और साक्षी की फैमिली कहाँ पर रहती है अभी इस टाइम, वो मुंबई में रहती है। द वेडिंग सेरेमनी शेड्यूल टू टेक प्लेस इन उदयपुर, और जो वेडिंग का सेरेमनी है वो कहाँ पर, उदयपुर में होगा। ठीक है, और उसके बाद है लास्ट सी, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद साक्षी भी कहाँ चली जाएगी, USA चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उसके उसके पास पहले से ही एक जॉब है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, फोर में जो सिक्वेंसिंग ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए माय डांस टीचर इज़ एन इंडियन क्लासिकल डांसर, यानी कि मेरे जो टीचर हैं वो इंडियन क्लासिकल डांसर हैं। ठीक, फिर आएगा डी नंबर, सी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में बॉर्न हुई थी बट एज अ डांसर, फिर लेकिन वो डांसर हैं। सी लर्न हर टेक्निक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और वो आती हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सारी चीज़ें सीखती हैं। ठीक है ना, एक फेमस मास्टर से, अपने टीचर से। फिर ए नंबर, हर डांस परफॉर्म से लाइक ए फेरी टेल, सी मूव्स लाइक ए फेरी, ठीक है ना, वो एक जादूगरनी की तरह एकदम के डांस हैं, मूव्स हैं। ठीक है, फिर है बी नंबर, इन दिस फेरी टेल सी टेल्स अबाउट द लीजेंड फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, और ये जो डांस है ये आपके एंशिएंट इंडिया की स्टोरीज के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। फाइव में भी आपको यही करना है कि कौन सा सिक्वेंसिंग ऑर्डर जो है वो सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सी बी डी ए। तो सी में क्या है, ए मैन अटेंडेड एन इंटरव्यू फॉर ए जॉब, एक आदमी है जो इंटरव्यू जॉब के लिए आप जाता है। ठीक है, फिर बी है, अलॉन्ग द कॉरिडोर ही पिक्ड अप द पीस ऑफ पेपर एंड थ्रू इट इन डस्टबिन, और वो देखता है कॉरिडोर में एक पेपर का पीस पड़ा रहता है तो उसे उठाता है और उसे कहाँ पर डाल देता है, डस्टबिन में डाल देता है। ठीक है, उसके बाद है द इंटरव्यूअर पास बाई एंड साइड, तो जो इंटरव्यू लेता है वो देखता है ठीक कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उस आदमी को वो क्या कर देते हैं, जॉब दे देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई हैव टू एक्स। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बी सी ए डी। तो बी क्या है, आई ओ कप वन मॉर्निंग
टू अ ब्यूटीफुल साइन ब्यूटीफुल सनराइज़। ठीक है, तो एक दिन मैं जगा और उस टाइम बहुत ही सुंदर सनराइज़ हो रहा था। फिर इसी नंबर, आई वॉज वेरी हंग्री दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं बहुत ही भूखा था, सो आई हैड इट फॉर द ब्रेकफास्ट टेबल। ठीक है, तो मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे जाता हूँ और आई हैव टू एग्स, मेरे पास दो एग रहते हैं, एक टोस्ट रहता है, ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस रहता है, वो मैं लेता हूँ। उसके बाद है, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई रैन टू बस स्टॉप, अनदर ग्लोरियस डे टू स्कूल। और मैं फिर उसके बाद बस स्टॉप पे जाता हूँ, अपने स्कूल जाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेवन में जो आपका बनेगा, तो ये बनेगा ए बी डी सी। क्या बनेगा? ए बी डी सी। तो ए क्या है? पीपल हु लिव इन द सिटी डज नॉट हैव वरी अबाउट वेल्स और स्प्रिंग्स। ठीक है, तो जो लोग शहर में रहते हैं उनको ना तो कुओं की फिक्र रहती है, ना तालाबों की फिक्र रहती है, ना तो मतलब कि जो बारिश होती है उसकी कोई फिक्र नहीं रहती है। ठीक है ना, फिर डी बी नंबर है, द सिटी सप्लाइज दम वाटर, क्योंकि शहर उनको क्या देता है? पानी की सप्लाई देता है। बट इन विलेजेस, लेकिन गाँव में क्या होता है, स्पेशली फार्मर के लिए वाटर सप्लाई में भी क्वाइट ए प्रॉब्लम, वाटर सप्लाई उनके लिए क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद है सी नंबर, फॉर देम वाटर मे कम फ्रॉम स्प्रिंग, और उनके लिए जो किसान होते हैं उनके लिए बारिश कहाँ पे आती है? स्प्रिंग आती है। ठीक है ना, स्प्रिंग से आती है, ए वेल एंड अंडरग्राउंड वाटर कनेक्शन, और या फिर वो कुओं से पानी निकालते हैं या अंडर वाटर पानी निकालते हैं पंप पंप लगा के। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सही सिक्वेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर एट जो है, यहाँ पे जो आपका सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डी बी ए सी। ठीक है ना, ये बनेगा डी बी ए सी। ठीक है, तो डी बी ए सी के तरीके से हम इस कहानी को जान लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले डी आएगा, रिसाइकलिंग द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन अल्टरनेटिव फ्रॉम गेटिंग द यूज मटेरियल। देखिए जैसे वो प्लास्टिक की बॉटल है, आप उसे रिसाइकिल करेंगे तो फिर से बॉटल बन के चली आएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिसाइकिल का यूज मटेरियल का हम फिर से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो डी नंबर हो गया ए, दिस प्रोसेस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट गोइंग इनटू लैंडफिल्स। तो देखिए जो कचरा होता है वो जाके कहीं ज़मीन पे उसको गाड़ा जाता है, ठीक है, रखा जाता है ज़मीन पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि इससे जो अमाउंट्स होते हैं कचरे के, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे कम होते हैं। ठीक, कचरा कम होता है। उसके बाद है सी नंबर, लास्टली एज अ रिजल्ट इट आल्सो हेल्प टू ब्रिंग प्राइसेस डाउन ऑन आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम यूजिंग रिसाइकल वेस्ट। और देखिए होता क्या है, इससे जो प्राइस होते हैं सामान की, क्योंकि वो रिसाइकिल होते हैं तो रिसाइकिल होने में बनाने में उतना खर्चा नहीं होता, इसलिए वो सस्ते होते हैं और रिसाइकिल वेस्ट होते हैं, बार बार हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका बी नंबर, फॉर मेकिंग दिस वर्क वी पुट मटेरियल्स लैंडफिल इट डेवलप्स मेड इनटू न्यू आइटम्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ले जाएंगे लैंडफिल भरेंगे, ठीक है, तो उसको भरने से अच्छा है कि हम उसको क्या करें, उससे हम कोई नया सामान बना लेते रिसाइकिल करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते क्वेश्चन नंबर नाइन में, यहाँ पे आपको स्निपेट दे रखा है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो पहला है, इन अ राइटिंग कैरियर दैट स्पैंड मोर देन ए हाफ सेंचुरी, अगाथा क्रिस्टी रोट 79 नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्पैंड। स्पैंड का मतलब क्या होता है? विस्तार करना, ठीक है ना, बढ़ना। तो इसका जो सुटेबल आपका मीनिंग होगा वो होगा एक्सटेंडेड ओवर, यानी कि विस्तारित होना, बड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 10, इन 1961 अर्थ ट्रेमर्स बिगन टू डिस्टर्ब द आईलैंडर, देन द वोल्केनिक इरप्शन फोर्स द इवैक्यूएशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, दे वर हाउस्ड ए कैंप नियर साउथम्पटन। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इवैक्यूएशन। तो इवैक्यूएशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि मास डिपार्चर, यानी कि लोग वहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, प्रस्थान कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, द टाइम्स हैज़ हैड एन एक्सीलेंट रेपुटेशन फॉर ओवर 200 ईयर, सेड इट्स एडिटर हु हैज़ बीन वर्किंग फॉर पेपर सिंस 1980 एंड नाउ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ न्यूज़ पेपर फॉर द 21st सेंचुरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन। देखिए ट्रेडिशन का मतलब होता है कोई रीति रिवाज, कोई ऐसी चीज़ जो समय के साथ चली आती है, उसे हम कहते हैं आपका ट्रेडिशन। ठीक है ना, तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन। क्या होता है? कन्वेंशन। ठीक है ना, कन्वेंशनल मेथड का मतलब होता है जो पुरानी मेथड्स हैं उसी तरीके से हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, आई डोंट ऑलवेज एग्री विद द ओपिनियन स्टेटेड ऑन एडिटोरियल पेज बट इट्स गुड टू नो हाउ अदर पीपल फील अबाउट आइटम्स इन द न्यूज़। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ओपिनियन टू द स्निपेट। देखिए ओपिनियन वर्ड का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है व्यू और बिलीफ, यानी कि आपका उसके बारे में क्या विचार है, और बिलीफ यानी कि आप उसका आपका उस बारे में क्या विश्वास है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आते हैं 30 नंबर पे, द जॉय ऑफ आवर डॉटर लुकिंग थ्रू द विंडो टू सी द फैमिलियर सराउंडिंग कवर्ड विद द ब्लैंकेट अनटच्ड। Untouched white snow was so exciting that we could not resist the temptation of journey north into mountains. What is the word temptation? Temptation word का मतलब क्या है? Option number B, limitations, यानी कि हमारी क्या सीमा है। ठीक है, तो temptation word का मतलब यही होता है। फिर है Jane from Manchester has been taking in foster pets for more than your years, having been among the first to sign up when Pause for Kids started in March 1919. What is the meaning of foster in the phrase foster pets? देखिए foster pets का मतलब होता है पालतू जानवर। ठीक है, तो पालतू जानवर के लिए हम यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करेंगे सेम मीनिंग के लिए वो होगा टू नर्चर। क्या होगा? टू नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण। अगला 50 नंबर, मोस्ट यूरोपियंस लिव इन अ स्मॉल विलेज, दे ग्रो देयर ओन फूड एंड बार्टर विथ others as well as keeping animals, they grow small crops of wheat, rye and vegetables. Milk from dairy cows is a vital part of diet. This milk is also used to make butter and cheese. Which of the following word can replace the word barter used above without changing meaning of text? तो barter word का मतलब क्या होता है? Barter word का मतलब होता है exchange, exchange का मतलब होता है विनिमय। ठीक है ना, यानी कि किसी भी चीज़ को एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी इस यूरोपियंस में क्या होता था, ये लोग अपनी सब्जी राई वेजिटेबल्स उगाते थे, एक दूसरे को देते थे और उनसे दूसरे प्रोडक्ट्स लेते थे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा QR कोड है, अगर आप उस पर कुछ पैसे भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है दोस्तों मेरा QR कोड, और अगर आप कुछ सेंड करना चाहते हैं तो इसे स्कैन करके आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो जैसा भी है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।